हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सजाद वानी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर। मेजॉरिटी पे मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है बिकॉज इन आवर क्लासेस वी सी दैट मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर कन्फ्यूज अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी विच वी टॉक इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कभी सिंपल मेजॉरिटी, कभी स्पेशल मेजॉरिटी, कभी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, कभी टू थर्ड मेजॉरिटी, ये मसला बन जाता है। फिर यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। सो मैंने सोचा कि हम एक वीडियो में ये मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट है ये क्लियर कर दें। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज विच हैव बीन मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट वन इज द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, देन सेकंड वन इट इज द सिंपल मेजॉरिटी, द थर्ड वन इज टू थर्ड्स ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, नंबर फोर टू थर्ड्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, नंबर फाइव इट इज द स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में दो चीज़ें हैं इसमें। पॉइंट नंबर वन है, दैट मीन्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, प्लस वी हैव पॉइंट नंबर फोर, दैट मीन्स टू थर्ड्स ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मीन्स स्पेशल मेजॉरिटी मीन्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस टू थर्ड्स ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, उनकी मेजॉरिटी। एंड देन वी हैव नंबर सिक्स, एक्चुअली इट्स नॉट अ डिफरेंट टाइप ऑफ मेजॉरिटी, बट व्हेन वी सी द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कभी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है विद अ स्पेशल मेजॉरिटी, पार्लियामेंट विद द कंसेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। सो इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ पॉइंट नंबर फाइव एंड पॉइंट नंबर टू, दैट मीन्स वी नीड अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड देन वी नीड अ सिंपल मेजॉरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेचर्स। फर्स्ट वी विल डील विद द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होता क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। मान लीजिए हमारे हाउस में टोटल कैपेसिटी इज 100, मीन्स देयर आर 100 सीट्स इन द हाउस, एंड ज़रूरी नहीं है कि 100 के 100 MPs प्रेजेंट हो। हम एज्यूम करेंगे दैट ओनली 80 आर प्रेजेंट, ओनली 80 आर प्रेजेंट एंड 20 आर आइदर एबसेंट और वैकेंट। सो आउट ऑफ 100 वी हैव 80, दीज आर प्रेजेंट, एंड आउट ऑफ 80 इफ वी गेट 51 वोट्स इन फेवर ऑफ अ रेजोल्यूशन और अ बिल, इट इज सेट टू हैव बीन पास बाय एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। मीन्स द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। यहाँ पे हमें नहीं देखना है कि कितने प्रेजेंट हैं या नहीं, हमें देखना है कि जो हाउस की टोटल कैपेसिटी है इसकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मीन्स मोर देन हाफ ऑफ दैट, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल कैपेसिटी ऑफ द हाउस। सो यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है दैट इफ द प्रेजेंस ऑफ MPs is less than 50, absolute majority cannot be achieved. It's common sense. So absolute majority ke liye the number of persons present must be more than 50% of the house, plus the number of votes in favor of a resolution or a bill, it must be more than 50% of the total capacity of the house. Means yahan pe chahe 90 present ho ya 100 present ho ya 80 present ho, kam se kam favor mein 51 votes hone chahiye. एग्जाम्पल मैं दूंगा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की। द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द राज्यसभा एंड दिस रेजोल्यूशन इज टू बी पास्ड बाय एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ राज्यसभा एंड अग्रीड टू बाय द लोकसभा। सो इन ऑर्डर टू रिमूव द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, अ रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, दैट मीन्स द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ Rajya Sabha, and it is later agreed to by the Lok Sabha. Hope आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या है, हम फिर से एग्जाम्पल लेंगे। मीन्स लाइक द हाउस हैज द टोटल कैपेसिटी ऑफ 100, 100 में से मान लीजिए 40 आर प्रेजेंट, 100 में से 40 प्रेजेंट हैं। हमें देखना है आउट ऑफ 40 कितने वोट्स इन फेवर है। मान लीजिए इफ यू वी हैव हियर 21 votes in favor of a resolution or a bill, it is said to have been passed by a simple majority. Simple majority means कितने लोग आए हैं और उनमें से कितने votes दे रहे हैं। अगर जो MPs present हैं उनका half number, 50% of the people who are present and voting, if they are voting इन फेवर ऑफ अ रेजोल्यूशन, इट इज सेट टू हैव बीन पास बाय सिंपल मेजॉरिटी। यहां पे मैंने एग्जांपल दी 40 प्रेजेंट है, 21 वोट्स दे रहे हैं इन फेवर। अगर 100 टोटल कैपेसिटी है, हमें टोटल कैपेसिटी के साथ गर्ज नहीं है, हमें गर्ज है कितने लोग आए हैं एंड 70 आर प्रेजेंट, तो यहां पे ख्याल रखना है दैट मीन्स मोर देन 35 वोट्स
constitutes your simple majority. So all the matters at any sitting of either house of the parliament or joint sitting of both the houses are decided by a majority of votes of the members present and voting. That is called ordinary majority or simple majority, excluding the presiding officer. Means parliament mein jo bhi decisions liye jaate hain, they are taken by an ordinary majority or a simple majority. Chahe wo single sitting ke through ho, sitting of a house, or through a joint sitting which is headed by the Speaker of Lok Sabha. And in every case, every decision in Parliament, it is taken through a simple majority, except few things which need a special type of majority. For example, the removal of President, removal of Vice President, amendment to the Constitution, they need special types of majority, like special majority, absolute majority, two-third majority. So rest of all the things in parliament, they are decided by a simple majority. I hope aapko ye samajh aaya hoga. Uske baad two-thirds of the majority of the total membership of the house. Two-third majority means hum fir se assume karenge house ki total capacity hai 100. Two-thirds means 66.66%, means out of 100, 67 votes constitute the two-thirds of the majority of total membership of the house. हमें यहाँ पे नहीं देखना है कि present कितने हैं, हमें total membership के साथ गर्ज है. यहाँ पे मैं example दे रहा हूँ, 100 is the total capacity of the house, only 80 are present, and out of 80, say 60 are voting. This is not the two-third majority of the total membership of house. Kam se kam, we should have 67 votes in this case to constitute the two-third majority of the total membership of the house. Jaise absolute majority mein, we say more than 50%. And in case of two-third majority of the total membership of the house, we need a majority of more than 66%. Two-third majority kahan pe zarurat padti hai? The president, he can be removed from the office by a process of impeachment for the violation of the constitution, and the impeachment resolution, it is to be passed by a majority of two-thirds of the total membership of a house. Yahan pe yaad rakhna, I hope aapko ye samajh aaya hoga. Iske baad two-thirds of the majority of members present and voting, it is like the simple majority. Jaise hum simple majority mein dekhte hain ki kitne log aaye hain unka 50%, aise hi kitne log aaye, kitne MPs aaye hain unka 66%, that constitutes the two-third majority of the members present and voting. Phir se wahi example, 100 is the total capacity of the house. Let's assume that 80 are present, and if 41 are voting in favor, that means a simple majority. And say if 60 people, they are voting in favor, it constitutes a two-third majority. 60 out of 80 means almost, I think it is 75%. So out of 80, 60 people, they constitute a two-third majority of the house. Hame yahan pe khayal rakhna hai, it is the two-third of the members present and voting, like the simple majority, which is 50% of the members present and voting. Two-third majority of the members present and voting, ye kahan pe zarurat padti hai? The parliament can create a new All India Service. Ye aapko pata hai, it is the power of Rajya Sabha only, that parliament can create new All India Services, like All India Judicial Service. If the Rajya Sabha passes a resolution supported by two-thirds of members present and voting, I hope aapko ye samajh aaya hoga. Aur ek example main dunga to be more clear. House ki capacity hai 200. We have 100, they are present. Kam se kam, we should have 67 votes out of 100 to constitute a two-third majority of the members present and voting. Aage chalenge. Two-thirds of the members present and voting, iski dusre example, if the Rajya Sabha declares bypassing a resolution that it is necessary in the national interest that parliament should make laws on the matters on the state list. Kyunki aapko pata hai ki parliament can make laws on the subjects in the union list and then in the concurrent list, but parliament can enact on the subjects in the state list in five circumstances. One of them is that if the Rajya Sabha declares by passing a resolution that it is necessary in the national interest, to make a law on such a matter in the state list, then the parliament becomes competent to make laws on that matter. Such a resolution, it must be supported by the two-thirds of the members present and voting.
उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी, जैसा कि आपने दूसरे वीडियो में देखा होगा ऑन द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्पेशल मेजॉरिटी इट मीन्स एस एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस टू थर्ड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। मैंने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी समझाया आपको, मैंने टू थर्ड ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग वो भी समझाया, दैट इज कॉल्ड द स्पेशल मेजॉरिटी। The majority of the provisions in the constitution, they are amended by a special majority of the parliament, that is the majority that is more than 50% of the total membership of the house and the majority of two-thirds of the members present and voting. फिर से एग्जाम्पल लेंगे, 100 इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ द हाउस, कम से कम 51 वोट्स होने चाहिए प्लस टू थर्ड मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मीन्स कम से कम आउट ऑफ 100 अगर आपके मान लीजिए 80 प्रेजेंट हैं, कम से कम एक तो 51 वोट्स होने चाहिए आउट ऑफ 100, दैट विल कॉन्स्टिट्यूट यूर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एंड आउट ऑफ 80 कम से कम 66% वोट्स होने चाहिए, दैट मीन्स कम से कम 54 वोट्स। सो कम से कम यू शुड हैव 54 वोट्स आउट ऑफ 80 टू कॉन्स्टिट्यूट द टू थर्ड मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड 54 वोट्स आउट ऑफ 100 टू कॉन्स्टिट्यूट एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। सो दिस इज द स्पेशल मेजॉरिटी। इसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी के दूसरे एग्जाम्पल, एवरी रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी व्हेन द नेशनल एमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल आर्म्ड रेबेलियन, फॉर इट्स कंटिन्यूएंस इट मस्ट बी पास्ड बाय द अप्रूवल इज गिवन आफ्टर पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी जैसा कि मैंने अभी बोला, इट इज द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस टू थर्ड मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, दैट मीन्स अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय सिंपल मेजॉरिटी, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे जो हमने वीडियो बनाया है। दोज प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द Polity can be amended by a special majority of the parliament and also with the consent of half of the state legislatures by a simple majority. Means, in मामले में, the bill is first passed by the parliament by a special majority, which means that an absolute majority plus two-third majority of members present and voting. उसके बाद, the same bill is to be passed by state legislatures of more than half of the states. India में 29 states है, कम से कम 15 states must pass the bill with a simple majority. This constitutes the different types of majorities in the constitution of India. I hope aapko samajh aaya hoga. For any queries, contact me on my email ID sajadwani657@gmail.com or my Facebook sajadwani or my Facebook page Genesis Academy or this YouTube channel, you can subscribe it. Thank you so much for watching. Have a nice day.